Good morning. Let's sit comfortably in a very comfortable position. Relax your body. Relax your mind. Take a deep breath in. Breathe out. Breathe in all the happiness, bliss, love, power, purity, and peace. And breathe out all the fears, insecurities, anxieties, pressures of the society, all the negativities. Breathe out. अपने अंदर की सैर करते हैं और जिस पे हम बिलीव करते हैं कि हमारा रब हमारी शहरक से ज़्यादा करीब है, अपने अंदर उस सफ़र में उसकी क़ुर्बत को महसूस करते हैं, उसकी मौजूदगी के एहसास में आते हैं। हम जब अल्लाह की याद में आते हैं, यानी उस वहदहु ला शरीक को जब याद करते हैं, तो हमारी सोचें, हमारा ध्यान उसकी तरफ लग जाता है और उसकी हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हम पर असरअंदाज होती है। हम अपने असल की तरफ लौट जाते हैं या हम अपने उस असल को महसूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ज़हन, हमारा जिस्म, हमारी सोचें, हर चीज़ रिफ्रेश हो जाती है। हम जिसकी भी याद में अपना वक्त गुजारते हैं, उनकी वाइब्रेशंस हम पर इफ़ेक्ट होती हैं। और अगर यही याद हमारे रब ताला की हो, तो उसकी वाइब्रेशंस, प्योर वाइब्रेशंस, पीसफुल वाइब्रेशंस हम पर इफ़ेक्ट करती हैं, असरअंदाज होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह की रहमत किसी एक शख्स के लिए नहीं होती, बल्कि उसकी रहमत हर इंसान पर बरसती है, चाहे वो अल्लाह की हम्द करे, अल्लाह को माने, अल्लाह पर यकीन रखे, अल्लाह की कही हुई बातों पर अमल करे या ना करे। अल्लाह की रहमत हर किसी पे मुसलसल बरस रही है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुशरिक है, चाहे वो यहूदी हैं या नसरानी। जब बारिश बरसती है तो अब्रे रहमत ये देखकर नहीं बरसता कि ये किसका घर है, ये किसकी छत है। जब अब्रे रहमत बरसता है तो कुल जहान पर, हर किसी पर एक सा बरसता है। जब हवाएं चलती हैं तो हर किसी के लिए चलती हैं, जब आसानियां होती हैं तो हर किसी के लिए होती हैं। ये रहमतें पूछकर नहीं बरसती कि ये अल्लाह का मानने वाला है या नहीं। बिल्कुल इसी तरह हमने आज
फोकस करना है. इनसाइड वी नीड टू फोकस ऑन आवर सेल्फ. क्या हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को एक सा डील करते हैं या हम लोगों के टाइटल्स, लोगों के प्रोफेशंस और लोगों के स्टेटस की वजह से अपने बर्ताव में लोगों से तब्दीली के साथ मिलते हैं? हमारा रवैया लोगों से मुख्तलिफ हो जाता है. हमने आज इसी बात पर फोकस करना है और कोशिश ये करनी है कि जो अल्लाह की क्वालिटी है हम इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें, ये सीख सकें कि अगर हमारा अल्लाह अपनी रहमत हर किसी के लिए बरसाता है तो हमें भी हर किसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए. हमारा रवैया भी हर किसी के साथ खूबसूरत और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. ऐसा ना हो कि अगर हम किसी स्कूल के प्रिंसिपल से मिल रहे हैं तो बहुत इज्जत से मिल रहे हैं, उनको बढ़ के सलाम कर रहे हैं, जबकि हम उस स्कूल की आया से या पियोन से या क्लर्क से या स्कूल में खड़े गार्ड से अच्छे तरीके से बात ना करें. चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे गेट पे खड़ा हुआ गार्ड हो, ये सब के सब एक सी रूह रखते हैं और उस रूह की क्वालिटीज भी एक सी हैं. ये जो टाइटल्स हमारे साथ हैं ये हमारे इस दुनिया में एक्वायर्ड टाइटल्स हैं, जबकि रूह सबकी एक सी खूबसूरत रूह है. हमें हर किसी की इज्जत करनी है, हमें हर किसी से मोहब्बत करनी है. आइए आज इसी पर फोकस करते हैं. आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई रिस्पेक्ट एवरी वन अराउंड मी, आई लव एवरी वन रिलेटेड टू मी. वो तमाम लोग जिनसे मेरा ताल्लुक है, वास्ता है, मैं उन सब से बहुत प्यार करती हूँ. मैं किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को मालदार, किसी को गरीब, किसी को इज्जतदार और किसी को जलील समझकर उससे डील नहीं करती, बल्कि मेरे नज़दीक हर इंसान काबिले इज्जत है. हर इंसान काबिले मोहब्बत है, हर इंसान काबिले कदर है. तमाम वो लोग जो हमारे घर में काम करते हैं हम उनकी भी उतनी ही इज्जत करते हैं कि जितनी हम अपने घर के बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने तमाम इंसानों को बराबर बनाया है. कोई बड़ा छोटा नहीं, किसी का कबीला, किसी की कास्ट, किसी की रेस, किसी की जात आला नहीं. आला जात फ़कत अल्लाह की है और हम सब उसके बंदे हैं. मैं हर किसी को बहुत मोहब्बत से मिलती हूँ, चाहे मेरे घर में
काम करने वाला ड्राइवर हो, चाहे मेरे घर में सफाई करने वाली खाला हो, चाहे मेरे घर में और मुलाजिम हो, वो मेरे लिए बहुत इज्जत के काबिल हैं। हम दिन में बहुत सी जगहों पर जाते हैं, वहाँ बहुत से मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, हम हर किसी को इज्जत देते हैं, क्योंकि इज्जत देने ही से इज्जत मिलती है, और इज्जत देना हम सब पे लाजिम है। आई रिस्पेक्ट एवरीवन। आज इसको एक्सपीरियंस कीजिए, हर किसी से इज्जत के साथ मिलिए। आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द लोगों की नज़र में भी आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। इज्जत देने से इज्जत मिलती है, इज्जत मांगने से इज्जत नहीं मिलती। तो आइए आज से हम सब की इज्जत करते हैं।